नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है खबरों के खिलाड़ी का। और मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। तो खबरों के खिलाड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, ओलंपिक के बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स में नीरज का कमाल देखा गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वर्ल्ड एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। भाला फेंक में नीरज ने सिल्वर जीता, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो देश का सर एक बार फिर गर्व से ऊंचा, नीरज चोपड़ा ने किया। आपको बता दें, वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। 88.13 मीटर तक उनका भाला गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने फिर एक बार इतिहास रचा है। आपको बता दें, इससे पहले भी 2 बार नीरज चोपड़ा ने भाग लेने की कोशिश की थी। साल 2017 में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और दूसरी बार वो अनफिट होने के कारण पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने सिल्वर मेडल देश के नाम जीता है। और नीरज चोपड़ा की मां का उनकी जीत पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। बहुत बढ़िया लग गया, बहुत अच्छा लग गया। अभी हमने बहुत खुश परिवार में सारे गांव का, लेकिन एक बार फिर उसने नाम रोशन कराया गांव का। बिल्कुल बढ़िया, सारा हमारा बच्चा नहीं, सब देश का बच्चा सबसे बड़ा। हमने यही खुश भी, सारे देश का बच्चा है अभी, मारा नहीं बच्चा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया है। अखिलेश यादव की चिट्ठी के बाद गठबंधन से अलग हुए हैं ओम प्रकाश राजभर। चाचा शिवपाल यादव से भी अखिलेश ने नाता तोड़ लिया है। एक मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 4 महीने भी पूरे नहीं हुए कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन बिखर गया। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर और चाचा शिवपाल यादव के साथ अखिलेश की दूरियां चुनाव के बाद से ही बढ़ने लगी थी और अब बात तलाकनामे तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूँ, कोई नाराज है। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को पत्र लिखकर कहा, माननीय शिवपाल यादव जी, अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। भतीजे के पत्र का जवाब देने में शिवपाल यादव ने कोई देरी नहीं दिखाई और ट्वीट कर लिखा, मैं वैसे तो सदैव से ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने हेतु सहृदय धन्यवाद। राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों एवं सम्मान से समझौता अस्वीकार्य है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पत्र ओम प्रकाश राजभर को भी जारी किया गया, जिसमें लिखा गया, ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, आपका बीजेपी के साथ गठजोड़ है और लगातार बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। समाजवादी पार्टी ने तलाकनामे की पेशकश की तो राजभर ने इसे कबूल कर लिया और अखिलेश यादव को जमकर कोसा। तो अब आप अखिलेश यादव को नसीहत देंगे, क्योंकि किस वजह से ये नसीहत दें? हम नसीहत का देंगे, वो जस करनी वो सब होके विधाता, नरक जात का है पछताता, कहावत है ना। आ रहा है 24 का चुनाव तो आ ही रहा है, गिनती होगी तो फिर मिलिएगा हमसे तो हम बता देंगे। राजभर की पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव को 2 ठूक, ये भी कह दिया गया कि हमें कहाँ जाना है इसका फैसला आप नहीं, हम कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने बीएसपी के साथ जाने के संकेत दिए हैं। बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों के बीच मायावती से गठबंधन के लिए राजभर उत्सुक है। इसे एक मिनट की रिपोर्ट में देखिए। ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव के रिश्तों में तनाव चुनाव नतीजे के बाद से ही बढ़ना शुरू हो गया था और राष्ट्रपति चुनाव की वजह से दरार बढ़ गई और गठबंधन टूटने की नौबत आ गई। दरअसल समाजवादी पार्टी से अलग लाइन लेते हुए राजभर और शिवपाल ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने लेटर लिखकर शिवपाल और राजभर को गठबंधन से अलग होने की पेशकश कर दी। बगैर देर किए राजभर ने अखिलेश के तलाकनामे के ऑफर को कबूल कर लिया और बीएसपी के साथ जाने के संकेत भी दे दिए। बहुजन समाज पार्टी का दरवाजा खटखटाया जाएगा, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि वाई श्रेणी तो उन्होंने दी है ना। आप जाइएगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना जाए कि आपकी जो है बसपा की तरफ आपके ऐलान करेंगे। आप प्रेस वार्ता करेंगे, जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे तब ना। ओम प्रकाश राजभर के पास फिलहाल 4 विकल्प दिख रहे हैं, वो या तो बीएसपी के साथ गठबंधन करके आगे बढ़ें या फिर बीजेपी में घर वापसी कर लें। इसके साथ ही शिवपाल यादव के साथ गठबंधन करने का भी विकल्प उनके सामने है और अगर ये तीनों विकल्प कामयाब नहीं हुए तो अलग रहकर राजभर चुनाव लड़ सकते हैं। उधर अखिलेश यादव पर सवाल उठ रहे हैं कि बार बार उनका गठबंधन बिखर क्यों जा रहा है।
अखिलेश यादव ने 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से गठबंधन किया था, लेकिन चुनाव के बाद रिश्ता टूट गया। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीएसपी से अखिलेश ने गठबंधन किया, लेकिन वो भी चुनाव बाद नहीं चला। 2022 के विधानसभा चुनावों में राजभर और शिवपाल से अखिलेश का गठबंधन हुआ, लेकिन वो भी टूट गया। जिस तरह से 5 सालों के अंदर समाजवादी पार्टी का 3-3 बार गठबंधन बना और टूटा, उससे ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अखिलेश यादव से कोई गठबंधन संभल क्यों नहीं रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर दिल्ली में आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये मीटिंग बुलाई है। पीएम मोदी भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति चुनाव में अपने प्रत्याशी को जिताने के बाद बीजेपी अब मिशन 2024 में जुट चुकी है और इसी सिलसिले में आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में दोपहर 2 बजे अहम बैठक बुलाई गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बैठक बुलाई है, जिसमें संगठन महासचिव बीएल संतोष भी रहेंगे। बैठक में खास तौर पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम को बुलाया गया है। इस बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के अभियान पर चर्चा होगी। बैठक में बीजेपी शासित राज्य सरकारों के कामकाज और योजनाओं की भी समीक्षा होगी। बैठक में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। खास बात यह है कि बीजेपी की इस अहम बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शाम 5 बजे के बाद वो बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी मुख्यालय आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और खबरों में बात अब बंगाल की, जहां शिक्षक भर्ती घोटाले में 2 दिनों के रिमांड पर ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी को भेज दिया गया है। पार्थ की राजदार अर्पिता मुखर्जी भी गिरफ्तार कर ली गई है। आज कोलकाता में उनकी पेशी भी होनी है कोर्ट में। इस रिपोर्ट में देखिए, ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर मिला काला खजाना अब ईडी के कब्जे में है। अपने घर से मिले 21 करोड़ के कैश के रहस्य से पर्दा नहीं उठाने की वजह से कल ही ईडी की टीम ने अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया था और आज उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी है। कल जब अर्पिता से ईडी ने काले खजाने को लेकर सवाल किए तो वो जवाब देने से बचती रहीं। ईडी के सूत्रों की माने, क्योंकि जब जब उनसे सवाल किए गए कि आखिरकार सोर्स क्या है ये कैश फ्लो का, उसका कोई जवाब देने से वो हटती रही। और साथ ही उनका और पार्थो चटर्जी का क्या संपर्क है उस पर भी कोऑपरेट नहीं किया ईडी ऑफिशियल्स के साथ, और साथ ही कई ऐसे सवालों के जवाब भी नहीं दिए। और शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में जुटी ईडी ने जब अर्पिता के घर पर छापेमारी की तो न सिर्फ 21 करोड़ कैश मिला बल्कि गहने, जेवर, दर्जनों मोबाइल, विदेशी मुद्रा और संदिग्ध दस्तावेज भी मिले। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर ईडी पार्थ चटर्जी तक पहुंची, जो शिक्षक भर्ती घोटाले के वक्त शिक्षा मंत्री थे। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से पार्थ चटर्जी की 2 दिनों की रिमांड ईडी को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में 2 दिनों के रिमांड पर भेजे गए ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी, पार्थ की राजदार अर्पिता मुखर्जी भी गिरफ्तार हो गई हैं। आज कोलकाता कोर्ट में उनकी पेशी भी होगी। ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी से निशाने पर आई ममता बनर्जी। पूरे मामले पर ममता दीदी ने साधी चुप्पी तो टीएमसी ने बीजेपी पर ईडी के इस्तेमाल का लगाया आरोप। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने से 21 करोड़ कैश और बेहिसाब धन बरामद हो चुका है, लेकिन अब तक ममता ने चुप्पी साध रखी है और इसे ही मुद्दा बनाकर बीजेपी हमलावर है। ममता बनर्जी बहुत कुछ बोलती हैं ईडी और सीबीआई के अगेंस्ट में, और ईडी और सीबीआई जब रेड करके पॉलिटिकल करप्शन एक्सपोज करते हैं तो वो कुछ बोलती नहीं है। ममता बनर्जी चुप हैं, लेकिन टीएमसी ने बयान दिया है कि ईडी अगर जांच कर रही है तो ईडी को बोलना चाहिए। बीजेपी क्यों बोल रही है? दबाव बनाने के लिए ईडी का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और अगर इसमें कोई साजिश निकलती है तो हम विरोध करेंगे, लेकिन अगर पार्थ चटर्जी के खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जो पार्टी खुद डूबा हुआ है करप्शन में, जो करप्शन का चाचा भतीजा बन के बैठा हुआ है, उसका मुंह पे ये शोभा नहीं देता है। और हमारा मैडम ममता जी ये क्लियरली बोलती है कि जो कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सब काम में इन्वॉल्व रहेगा, पार्टी उसका साथ नहीं रहता है। शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच की आंच अर्पिता मुखर्जी से होते हुए मंत्री पार्थ चटर्जी तक पहुंच चुकी है।
और अब सवाल ये है कि इस भर्ती कांड और 21 करोड़ के कैश लोक से जुड़े और कितने किरदार हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला सामने नहीं आता अगर एक मंत्री की बेटी को गलत तरीके से नौकरी नहीं दी जाती। फर्जीवाड़े का खुलासा शुरू हुआ तो मामला मंत्री की गिरफ्तारी तक जा पहुंचा। इस रिपोर्ट में देखिए, जिस घोटाले ने बंगाल सरकार की नींद उड़ा दी है, जिस घोटाले के सामने आने के बाद सवालों का जवाब देने कोई सामने नहीं आ रहा है, वो घोटाला ममता सरकार में मंत्री की बेटी के चक्कर में हुआ था। यही है वो अंकिता अधिकारी जिसे नौकरी दिलाने के चक्कर में पूरा गेम प्लान हुआ था। परेश अधिकारी तब विधायक हुआ करते थे, इनके आदेश पर नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी गईं। बबीता सरकार नाम की एक अभ्यर्थी हैरान थी कि उन्हें भर्ती की लिस्ट से बाहर कर दिया गया और गलत तरीके से अंकिता अधिकारी का नाम कैसे आ गया। अंकिता अधिकारी नौकरी कर रही थी और बबीता कोर्ट का चक्कर काट रही थी और कोर्ट का फैसला आया तो सब हैरान रह गए। एक दो नहीं, कई लोगों को फर्जीवाड़ा के जरिए नौकरी मिली थी। जिन्हें अंकिता अधिकारी से ज्यादा नंबर मिले थे वो इंतजार करते रह गए। मामला 2018 में तब शुरू हुआ था जब पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर थे। 1002 ऐसे लोगों की नियुक्ति हुई थी जिन्होंने या तो परीक्षा ही नहीं दी या परीक्षा पास नहीं कर सके, लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी मिल गई। आज जो हालत है, ऐसा लग रहा जो एजेंसी को बीजेपी चला रहा है। ईडी अगर इन्वेस्टिगेशन करेगा, ईडी का बयान चाहिए। ईडी बोल सकता है जो क्या इन्वेस्टिगेशन में मिला नहीं मिला। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी अगर बोल रहे हैं जो ये अभी मिला है, इसके बाद ये मिलेगा, इसके मतलब है जो ईडी को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। जो हम बोल रहे हैं वो ट्वीट से इसका प्रमाण हो रहा है जो ईडी को बीजेपी चला रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में जब पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमारी हुई और वहां नोटों का पहाड़ मिला तो टीएमसी को ठीक से जवाब देते नहीं बन रहा है। सिर्फ बीजेपी को कोसकर वो बच नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गोवा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध तरीके से वार चलाने के आरोप के बाद सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस ने बेटी के बहाने स्मृति ईरानी को घेरा तो स्मृति ने पलटवार करते हुए कोर्ट जाने की धमकी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को घेरते हुए आरोप लगाया है कि गोवा में उनकी बेटी ने गैर कानूनी तरीके से वार का लाइसेंस लिया है। लाइसेंस जून 2022 में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिया गया जिसकी मौत हुए 1 साल 1 महीना हो चुका था, 13 महीने पहले जिसका देहांत हो गया हो, उसके नाम पर गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री ने वो लाइसेंस लिया। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर पीएम मोदी से तुरंत स्मृति ईरानी का इस्तीफा लेने की मांग की थी। इसके बाद स्मृति ईरानी सामने आई और अपनी बेटी पर लगे आरोपों पर जवाब दिया। स्मृति ने दावा किया कि जिस आरटीआई की बात हो रही है उसमें उनकी बेटी का नाम है ही नहीं। 18 साल की लड़की का दोष यह है कि उस लड़की की मां ने साल 2014-2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा। अपनी बेटी पर कांग्रेस की तरफ से लगाए गए आरोपों पर स्मृति ईरानी ने नाराजगी जताते हुए कोर्ट जाने तक की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि यह सब गांधी परिवार के इशारे पर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर उत्तर प्रदेश में खुले में नमाज पढ़ने का मामला थम नहीं रहा है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर फिर एक बार नमाज पढ़ी गई। वेटिंग रूम के बाद प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर खुले में नमाज पढ़ने का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का वीडियो है जहां 6-7 नमाजी एक साथ खुले में नमाज पढ़ रहे हैं। ट्रेन खुलने लगती है तो नमाज बीच में आधी छोड़कर भागते हैं। चंद दिन पहले ये वीडियो प्रयागराज रेलवे स्टेशन से ही आया था जहां की वेटिंग रूम में कुछ बच्चों के साथ मौलवी नमाज पढ़ रहा है। इस वीडियो पर काफी बवाल मचा था और अब फिर इसी प्रयागराज रेलवे स्टेशन से खुले में नमाज पढ़ने का ये दूसरा वीडियो सामने आ गया। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में खुले और सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज पढ़ने पर विवाद बढ़ा था और फिर लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर भी कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी थी। इसके बाद गोरखपुर में सीडीओ के आवास के बाहर भी नमाज पढ़ने की जरूरत की गई।
प्रयागराज के रेलवे स्टेशन में वेटिंग रूम से लेकर प्लेटफॉर्म तक नमाज पढ़ने का वाकया सामने आ ही चुका है। खास बात यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार चेतावनी दे चुके हैं कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज पूजा और धार्मिक क्रियाकलाप करने वालों की खैर नहीं, फिर भी बार बार खुले में नमाज पढ़ने के वीडियो सामने आ रहे हैं। अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि खुले में नमाज पढ़ना महज संयोग है या प्रयोग? जिस तरह से एक के बाद एक ऐसे कई मामले सामने आए हैं, वैसे में ये सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने धर्म परिवर्तन गैंग का भंडाफोड़ किया है। ईसाई मिशनरियों की ओर से सैकड़ों लोगों को धन के बदले धर्म परिवर्तन का लालच दिया जा रहा था। आरएसएस के लोगों ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे खेल का पर्दाफाश किया है। एक मिनट में ये पूरी रिपोर्ट देखिए। देश भर में ईसाई मिशनरियों पर बार बार पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन ताजा मामला कुशीनगर के बहेलिया इलाके का है, जहां सामुदायिक रूप से सैकड़ों लोगों को ईसाई बनाने की कवायद चल रही थी। यहां बिहार और स्थानीय लोगों के समूह को बाकायदा बाइबल पाठ करवाया जा रहा था। मौके पर पहुंचे आरएसएस के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। धर्म परिवर्तन के आरोप में चार लोगों को हिरासत में लिया है, इसमें बिहार के तीन युवक भी शामिल हैं। पुलिस को मौके से एक डायरी भी हाथ लगी है, जिसमें सभा में आए सभी बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का नाम लिखा है। गाँव वालों के मुताबिक कई लोग टोला बहेलिया दलित बस्ती पहुंचे थे, जिसके बाद यहां ईसाई धर्म पद्धति से प्रार्थना करने का समारोह आयोजित किया। सभी के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई। लोगों को बहला फुसला कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए भी कई बातें बताई गयी। गौरतलब है कि भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन हर अधिकार की तरह इस अधिकार की भी कुछ सीमाएं हैं। वहीं ईसाई मिशनरियां जिस तरह गरीब, दलित और आदिवासी इलाकों में काम करती हैं, इससे ये साफ है कि ऐसी जनसभाएं जानबूझकर धर्म परिवर्तन के लिए ही करवाई जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टर रणवीर सिंह के नेकेड फोटोशूट पर विवाद बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अब इस पर सवाल उठाए और कहा कि जिस्म की नुमाइश अगर आर्ट है तो फिर हिजाब पर क्यों सवाल उठाए जाते हैं। इसे एक मिनट की रिपोर्ट में देखिए। एक्टर रणवीर सिंह का ये न्यूड फोटोशूट विवादों में घिर गया है। रणवीर सिंह ने एक मैगजीन के लिए बिना कपड़े का फोटोशूट करवाया और जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बवाल मच गया। रणवीर सिंह की इन तस्वीरों से एक तबका भड़क उठा। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने रणवीर सिंह की तस्वीरों के बहाने हिजाब विवाद को हवा दे दी और ट्वीट कर लिखा, नंगे जिस्म की नुमाइश करना आर्ट और आजादी कहलाता है, तो एक तरफ संस्कृति के मुताबिक लड़की अपनी मर्जी से बदन को हिजाब से ढकना चाहे तो वो उत्पीड़न और धार्मिक भेदभाव कहलाता है। हमें आखिर कैसा समाज चाहिए? उधर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी अबू आजमी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि कानून एक ही है तो फिर फर्क क्यों किया जाता है? एक के लिए अलग, एक धर्म वालों के अलग, दूसरे धर्म वालों के लिए अलग, ऐसा कानून नहीं हो सकता। हमारा संविधान सर्वधर्म समभाव का है, सभी धर्म के सभी जाति के लोग को एक साथ बांध के रखने का काम हमारा संविधान करता है। उधर रणवीर सिंह के इस न्यूड फोटोशूट से हिंदूवादी संगठन भी भड़क गए। हिंदू सेना ने रणवीर सिंह के खिलाफ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी है और कार्रवाई करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी पर समीक्षा करने की सलाह भी दी है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपनी बेबाक टिप्पणियों से अक्सर विवाद खड़ा करते रहते हैं। इस बार उन्होंने बिहार के गरीबों को सलाह दी कि वो शराब पीने की कला अमीर लोगों से सीखे, जो नशा के बाद हंगामा नहीं करते और चुपचाप सो जाते हैं। अमीर लोग शराब पीते हैं, लोग देखता नहीं है। सर्टेन आवर होता है, रात में 10 बजे के बाद वो लोग पीते हैं। वहीं हमारे समाज के लोग जो भूख से व्याकुल रहते हैं और पाउच पीकर सड़क पर चले आते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। इस पर विचार होना चाहिए। बता दें कि बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। इसके तहत प्रदेश में शराब बेचने और खरीदने पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन बिहार के कई नेता दबी जुबान से शराबबंदी के कारण असुविधा की बात स्वीकार कर चुके हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। ये बेहद खुशखबरी है आपके लिए। यूपी में बिजली की नई दरें अब लागू कर दी गई हैं। घरेलू बिजली की अधिकतम दर 6.5 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई है। इस रिपोर्ट में देखिए।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे में 7 रुपए प्रति यूनिट की दर को खत्म कर दिया है। यूपी में बिजली दरों में कटौती का ये फैसला बेहद अहम बताया जा रहा है। सरकार ने अब घरेलू बिजली की दरों को 7 रुपए यूनिट से कम कर दिया। नई दरों के मुताबिक अब अधिकतम दर 6.5 रुपए होगी। यूपी के शहरी इलाकों में 150 यूनिट तक 5 रुपए प्रति यूनिट और 151 से 300 यूनिट तक 5.5 रुपए प्रति यूनिट चुकाना होगा, जबकि 300 से 500 यूनिट पर 6 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे और 500 यूनिट से ऊपर 6.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल जमा करना होगा। सरकार ने ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी भारी लाभ दिया। नई दरों के मुताबिक अगर उपभोक्ता एक महीने में 100 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं, आपको 3.35 रुपए प्रति यूनिट और 101 से 150 यूनिट तक 3.35 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे, जबकि 151 से 300 तक 5 रुपए प्रति यूनिट और 300 यूनिट से ऊपर पर 5.5 रुपए प्रति यूनिट चुकाने होंगे। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने घरेलू बीपीएल उपभोक्ताओं को भारी छूट दी। सरकार ने ग्रामीण और शहरी घरेलू बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट लेने का फैसला किया है। दरअसल बिजली बिल को लेकर इन दिनों जो सियासी रेवड़ियां बांटी जा रही है, उससे हर सियासी दल और सरकारें दबाव में हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बाइक सवार लुटेरों ने टॉय गन के दम पर ज्वेलर्स के यहां लूट करने की कोशिश की, लेकिन दुकान का एक कर्मचारी बदमाशों से भिड़ गया और लूटपाट को नाकाम कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। सीसीटीवी की तस्वीरें दिख रही हैं, उसमें उन लुटेरों का दुस्साहस तो देखिए। टॉय गन के दम पर ही ज्वेलर्स के यहाँ लूट करने पहुँच गए। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 16 में बाइक सवार लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन दुकान के कर्मचारी की बहादुरी के आगे इनके मंसूबे बिखर गए, बल्कि लुटेरों को उल्टे पांव ज्वेलर्स की दुकान से भागना पड़ा। पुलिस के मुताबिक ज्वेलर्स की दुकान में बाइक सवार लुटेरे जबरदस्ती घुस गए और दुकान के कर्मचारी से उनकी हाथापाई भी हुई। खुद को घिरा देखकर दोनों बदमाश बाइक छोड़कर वहां से भाग गए। दुकान के मालिक उस समय दुकान पे नहीं थे, घर खाना खाने गए हुए थे, तभी दो लड़के आए जिनके द्वारा दुकान के कर्मचारियों से ज्वेलरी की डिमांड की गई। आपस में ये लोग गुत्थम गुत्था हुए, उसके बाद उनके बैग में जो ज्वेलरी थी प्लस जो टॉय गन थी उनके पास, वो मौके पे ही छूट गई और उनकी गाड़ी जिससे आए थी वो भी छूट गई। दरअसल दुकान में मौजूद कर्मचारियों की जब लुटेरों के साथ हाथापाई शुरू हुई, तभी कर्मचारियों को एहसास हो चुका था कि बदमाशों के पास मौजूद गन नकली है। फिर क्या था, ज्वेलर्स के यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों के भी हौसले बुलंद हो गए। अपने को चारों तरफ से घिरता देख दोनों बदमाश बैग और बाइक वहीं छोड़कर भाग गए। वारदात में शामिल दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।